जी रॉय बात कर रहा हूँ भाई, और स्वागत है आप सबका रॉय मैच पिटिशन में। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा मेरे भाई लखनऊ सुपर जायंट्स बना मुंबई इंडियंस के बीच। और ये मुकाबला मेरे भाई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड होगा। तो मेरे भाई हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सा प्लेयर चलेगा कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा, पिच रिपोर्ट क्या होगी, पिच कैसे बिहेव करेगी, मैच कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा। आगे बात करूं उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब कलर का आइकन दिख रहा होगा वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे भाई बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरे भाई ये मुकाबला कौन जीत सकता है आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेंगे, और आपके जो ओपिनियन है कि इस वीडियो में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या ऐसी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है, सर्च मार रहा हूँ मिल नहीं रहा है, तो वो चीज़ें मैं उसकी अगर मैं देखता हूँ कमेंट की अगर रहता है ज़्यादा रहता है, अगर एक ऐसी टॉपिक है जिसपे कि कई सारे लोगों की अगर कमेंट रहे तो मैं कोशिश करूँगा कि वो उसका वीडियो आप लोगों के सामने लाकर प्रस्तुत कर सकूँ। और मेरे भाई अगर अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे भाई मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस काम की तलाश में आप लोग मार्केट में घूम रहे हो, भटक रहे हो, उधर उधर कर रहे हो, उससे 100 गुना बेहतरीन काम आपको वहां पे प्रोवाइड ऑलरेडी कराई जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में मेरे भाई। तो ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई के बीच खेला जाएगा, और ये मुकाबला 16 मई यानी आज, अब क्योंकि अभी 12 से ज्यादा हो गया, तो भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे खेली जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेड टू हेड मुकाबले के बारे में कि कौन सी टीम किस पे ज्यादा भारी पड़ी है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को जब हम देखते हैं तो मेरे भाई मुंबई और लखनऊ के बीच 2 मैचेस खेले जा चुके हैं जहां पे दोनों ही मैच लखनऊ ने जीता और मुंबई ने कोई भी मैच नहीं जीता है, और मेरे भाई नो रिजल्ट भी कोई ऐसा कोई नहीं, क्योंकि दो ही मैच हुआ और दोनों मैच लखनऊ ने जीता, और लखनऊ ने मुंबई खिलाफ हाइस्ट स्कोर 199 रन का लगाया, और मेरे भाई मुंबई ने लखनऊ खिलाफ 181 का हाइस्ट स्कोर लगाया है। और बात की जाए मेरे भाई पिच रिपोर्ट की, तो उससे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई कि पिच बिहेव कैसे करेगी। ब्लैक सोयल पिच है मेरे भाई, यहाँ पे शुरुआती ओवर में बॉलर पेस बॉलर जो पेस अटैकर है उसको मेरे भाई काफी मदद मिलने वाली है, स्पिन को भी मदद मिलेगी, स्पिन भी विकेट निकाल कर देंगे, लेकिन कब, जब 12 ओवर निकल जाएगी तो वहां से आपको स्पिनर वहां से अच्छा गेम बनाकर दे सकता है। अगर स्टार्टिंग के मैच में अगर स्पिनर आ जाए मेरे भाई तो स्पिनर की यहाँ पे फटने वाली है, तो स्टार्टिंग का जो भी फेज होगा 1 ओवर से लेकर 12 ओवर तक वहां तक जो पेसर है वही हावी रहेंगे, और मेरे भाई 12 ओवर के बाद यहाँ पे स्पिन अटैक लगेगी जो कि मेरे भाई बिल्कुल धाकड़ बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात, और ज्यादा आपको इसमें वो नहीं रखनी है। दूसरी चीज चलिए बात करते हैं सीधा अपने पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पे अब तक टोटल 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं जहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इकाना स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, 5 मैचेस अब यहाँ पे खेले जा चुके हैं आईपीएल के, जहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 3 मैचेस जीता है, और मेरे भाई सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में चेज करते हुए टीम ने 2 मैचेस जीता है, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 147 रन का एवरेज स्कोर लगता है, ठीक है, 147। तो हार्डली अगर जिस तरह की भी कंडीशन चल रही है लो स्कोर ग्राउंड में भी वहां पे अच्छा खासा रन लग जा रहा है, जहाँ पे एवरेज स्कोर 156, 157, 158 है, वहां पे 170+ 175+ का वहां पे गेम हो रहा है। तो यहाँ पे आप मान चल सकते हैं कि 155-160 के बीच वाला यहाँ गेम होगा। याद रखिएगा हाईएस्ट स्कोर का गेम नहीं होगा इस मुकाबले में, ठीक है, बॉलर की यहाँ पे तूती बोलेगी, जो भी ड्रीम इलेवन वाले फैंटेसी वाले जो भी लोग हैं मेरे भाई, बॉलर को पिक करना, ज्यादा पिक करना, बैट्समैन ज्यादा बॉलर को पिक करना, और मेरे भाई दोनों टीम के इक्वल बॉलर को पिक करना। तो सिंपल चीज यहाँ पे ज्यादा रन की एक्सपेक्ट आप मत करना कि यहाँ पे 190-180 वाला स्कोर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और अगर भी यहाँ पे शो करती है 190-185 की, अगर यहाँ पे लंबी शो करती है तो मेरे भाई यहाँ पे सीधा लंबी नोट करना, 8 बंद करके लंबी नोट करना, लंबी नोट होगी। अगर हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए इस मैदान पे तो लखनऊ सुपर जायंट कर रहा है 193 रन 6 विकेट नुकसान पे, और मेरे भाई लखनऊ और लोएस्ट स्कोर भी लखनऊ सुपर जायंट्स कर रहा है 108 रन 10 विकेट नुकसान पे। और वहीं अगर मेरे भाई स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस मैदान में 150 से नीचे का स्कोर 3 बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर यहाँ पे 1 बार लगा है, 170 से 189 का स्कोर यहाँ पे एक ही बार नहीं लगा है, और 190 का ऊपर का स्कोर यहाँ 1 बार लगा है। तो मेरे भाई 190 का ऊपर का स्कोर यहाँ 1 बार लगा है और 150 से नीचे का स्कोर यहाँ पे 3 बार लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि ज्यादा बढ़िया बड़ा गेम होगा, जो मुंबई की जो टीम अभी दिख रही है कि 200-200 रन चेस कर दे रही है,
कितना बड़ा टोटल वो चेस कर दे रही है, तो ये वो पिच नहीं है कि आप 200 आप यहाँ पे 175 चेस करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी और 175 लगाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल जैसा कि आप यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देख रहे हो, 3 बार 5 ही में गेम हुआ और 3 बार मेरे भाई 150 से नीचे का स्कोर लगाया। तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में। तो मुंबई की तरफ से मेरे भाई बात की जाए तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, निहाल वधेरा, विष्णु विनोद, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, जेसन बैंड्रॉफ और कुमार कार्तिकेय। और बात की जाए मेरे भाई लखनऊ की तरफ से क्विंटन डिकॉक, काइल मेयर्स, कुणाल पांड्या और मेरे भाई मार्कस स्टोनिस और ये निकोलस पुरन, अमित मिश्रा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, युद्धवीर सिंह और मेरे भाई आवेश खान। अगर बात की जाए मेरे भाई कि कौन सा प्लेयर है जो आपको परफॉर्म करके दे सकता है, तो दोनों टीमों में से 3-3 प्लेयर का मैं नाम लूंगा। तो मुंबई की तरफ से अगर देखा जाए मेरे भाई तो इस मुकाबले में मुझे सूर्य कुमार यादव का बल्ला फिर से बोलता हूँ नजर आ रहा है, ठीक है। और लेकिन हाँ, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 60-70 रन का पारी खेलेगा। ईशान किशन का बल्ला मुझे कुछ खास बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा मुझे लग रहा है कल के मैचेस में कुछ रन 35-40 रन का योगदान आपको दे सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ पे आपका विष्णु विनोद, इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि विष्णु विनोद खेलेगा और लंबा खेलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे कलाई वाला खेल है। कलाई वाला खेल से मेरा मुराद ये है कि जो भी टीम जो भी प्लेयर मेरे भाई पिच पर ठहर के खेलेगा, सिंगल डबल ज्यादा निकाल के खेलेगा, वो यहाँ पर ज्यादा आपको चलता हुआ दिखेगा। और बॉलर की बात की जाए पीयूष चावला को लेकर चलो, विकेट निकाल कर देगा, अच्छा खासा विकेट निकाल के देने वाला है आप लोगों को। और बात की जाए लखनऊ की तरफ से तो कुणाल पांड्या को लेकर चलो, ये बैटिंग से भी आपको अच्छा परफॉर्म करके देने वाले हैं कल, और मेरे भाई गेंदबाजी से भी काफी अच्छा परफॉर्म करके देने वाले हैं, ठीक है। और मेरे भाई आप लेकर चलो यहाँ पे अमित मिश्रा को, अगर अमित मिश्रा खेलते हैं तो अमित मिश्रा को यहाँ पे बिल्कुल कंसिडर करना। वैसे मैं बोल सकता था कि रवि बिश्नोई को भी आप लोग उठा सकते हो, मतलब उसको पिकअप कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस के अनुसार अमित मिश्रा के साथ जाना काफी ज्यादा सेफ है। तो अमित मिश्रा के साथ जाइए, ये बंदा आपको निकाल कर देगा। और मेरे भाई यहाँ पे आप लोग क्विंटन डिकॉक के साथ जा सकते हो, क्विंटन डिकॉक मुझे लग रहा है कल के मैच में अच्छा खेलेंगे। बाकी काइल मेयर्स को मैं नहीं ले रहा हूँ, या मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ काइल मेयर्स को, आप लोग लो वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई ये बंदा हिट करने वाला बंदा है, ठीक है। इसको पिच पर रह के खेलना ऐसे आता नहीं, ये सीधा आंख बंद करके सीधा छक्का चौका वाला गेम खेलता है, जो कि ये वो पिच है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कल ये लंबा टिक पाएंगे वगैरह। तो दोनों टीमों की हो गई है मेरे भाई बात, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो चलिए बात करते हैं मेरे भाई सीधा अपने मैच प्रिडिक्शन पे, कि मैच कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा। तो उससे वो जानने के पहले मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, चलो फटाफट सब्सक्राइब करो। रेड कलर का बेल आइकन दिखेगा उसके बगल में, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन के बगल में, उस बाद मेरे भाई उसको क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन को वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां तक जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो कर लीजिएगा। तो भाइयों मेरे अनुसार इस मैच का मैच विनर लखनऊ सुपर जायंट्स रहने वाले फिलहाल, ठीक है। कुछ चीजों को मैं देखकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अब तक जो भी मुंबई गेम को जीती वो खुद के सेफ जोन में रहकर जीती है, ठीक है। दूसरे के डेंजर जोन में जाकर वो मैच नहीं जीती है, और भाव काफी सपोर्ट करा मुंबई को मुंबई ग्राउंड पे, और लक ऐसा कि हमेशा चेस करने का मौका मिला। तो यहाँ पे कठिनाई होगी, और जिस तरह से मुंबई का बैट्समैन केवल जो आप खुद के सेफ जोन में जो रहकर खेल रहे थे, तो यहाँ पे मुझे लग रही है कि मुंबई की टीम कोलैप्स होगी फिलहाल मेरे अनुसार। लेकिन मेरे भाई फाइनल प्रेडिक्शन, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। और टॉस की बात की जाए मेरे भाई तो मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस टॉस जीतेगी इस मैच का, टॉस मुंबई इंडियंस जीतेगी और लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को जीत जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।